कई बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं, कई बच्चे सेकेंड ड्रॉप ले चुके हैं, तो कॉम्पिटिशन तो टफ है, पर बच्चों यहां डिपेंड करता है कि टोटल आपने टाइम कितना डेडिकेट किया नीट की तैयारी को। अब कोई इंसान 2 साल की तैयारी कर रहा है, रोज 2 घंटे पढ़ रहा है, यू कैन बीट देम विद 16-18 आवर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क इफ यू पुट योर स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ड वर्क फॉर दीस 3.5 मंथ। देखो दो ही बात होती है, जब मंजिल बहुत ऊंची दिखे और रास्ता बहुत कठिन दिखे। मंजिल बहुत ऊंची है जो आपको पहाड़ की चोटी पहुंचना है, बहुत ऊपर जाना है, और रास्ता बहुत टफ है। मेरे साथ भी लाइफ में ये चीज कई बार हुई है, एक बार नहीं कई बार। तब एक ही चीज बचती है, दो ही ऑप्शन होते हैं, मतलब दो ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा एक खराब। पहला ऑप्शन होता है गिव अप करने का, कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, इस पहाड़ पे तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, अब मेरे पास ना समय है, ना खाना बचा है, ना रिसोर्सेज है, मैं कैसे चढ़ूंगा। दूसरा होता है नेवर गिव अप। जितने भी ग्रेट लोग हैं सबकी यही स्ट्रेटजी रही है, नेवर गिव अप। तो अगर 3 महीने भी बचे हैं तो मैं जान लगाऊंगा 3 महीने में, अगर 4.5 महीने मेरे पास बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 130-135 डेज बचे हैं, तो मैं जान लगाऊंगा 130-135 डेज में, मैं 16-18 घंटे की मेहनत करूंगा, मैं इस बीच कहीं मस्ती में समय नहीं बिताऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा खुद को और दुनिया को, मैं एक सक्सेस स्टोरी बना के दिखाऊंगा कि कैसे 4 महीने में नीट को हम क्रैक कर सकते हैं। सोच रहा है कि हाँ उसे नीट क्रैक करना है, तो बच्चों 16-18 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये पॉसिबल है। आज से 8 महीने पहले शायद मैं दिन भर में 8-10 घंटे काम करता हूंगा, या कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, पर पिछले 4-5 महीने या 6 महीने से मैंने कंटिन्यूअसली 16-16 घंटे काम किया है, ये पॉसिबल है। शुरू में थोड़ा लोड लगता है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन थोड़ा लोड लगता है, उसके बाद चीज नॉर्मल लगती है, उसके बाद जिस दिन काम नहीं करो उस दिन खुद को गाली देने का मन करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, मेरी एज में पॉसिबल है, आपकी एज में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इंटरनेट खोल के देखोगे ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे जिन्होंने आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर ट्रिपल डिजिट रैंक स्कोर की है 5-4 महीने की प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं पढ़ा था, डेफिनेटली पहले भी पढ़ा हुआ था, बट जो जोरदार तैयारी की है वो 5-4 महीने में। यूट्यूब पे ही आपको ऐसे एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि ऐसे एजुकेटर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करो, जिन्होंने 5 महीने के अंदर तैयारी की है और रैंक फोड़ी है। क्योंकि बात होती है डेडिकेशन की, बात होती है मेहनत की, ठीक है। तो जब मैं कर सकता हूं यार 16 घंटे काम, तो आप 18 घंटे पढ़ाई डेफिनेटली कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं वो शिखर बहुत ऊंचा है, हमारे पास शायद रिसोर्सेस की कमी भी थी, पर यहां से 2 ही रास्ते हैं, या तो हार मान लो या तो लड़ाई करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा दूसरा रास्ता चूज करता हूं, कितना भी इम्पॉसिबल सा ड्रीम दिखे मैं कभी भी उसे लेट गो नहीं करता हूं, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर मारता हूं। तो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारने के लिए आपके पास यहां पे अच्छा चांस है, बट द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो आज है, अभी है, ये पल है। बात समझ में आई। जो बेस्ट टाइम आप कहते हो काश मैंने तब से किया होगा, डेफिनेटली काश किया होता तो अलग बात होती, डेफिनेटली एकदम सही बात है, आई एग्री विथ यू, एकदम ऑनेस्ट बात है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021 इज 2019, बट द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो उस पल में है जिस पल में आपने डिसीजन लिया। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।